नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कहा जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस पार्टी में महासचिव बनाकर कांग्रेस ने ट्रंप कार्ड खेला है, लेकिन क्या ये बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को रास नहीं आ रही बात, क्योंकि नीतीश के एक मंत्री ने आपत्तिजनक बयान दिया है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ये क्या कहा। प्रियंका वाड्रा महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राजीव गांधी और सोनिया गांधी की बेटी को पार्टी ने इस आधिकारिक पद से सुशोभित करने की खबर का कार्यकर्ताओं ने तो अलग अलग शहरों में जबरदस्त जश्न के साथ स्वागत किया। कहीं ढोल नगाड़ों पर डांस हुआ तो कहीं रंग गुलाल की होली। अब राहुल गांधी फेल हो चुके हैं तो प्रियंका बढ़ेरा जी को आगे लाया गया है। प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है, इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। ये परिवार की पार्टी है तो जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। लेकिन प्रियंका को कांग्रेस महासचिव बनाने का फैसला और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की खुशी बीजेपी को मानो बेचैन कर रही है। पार्टी ने प्रियंका को, बीजेपी को प्रियंका का पार्टी पद रास नहीं आ रहा। कहीं शब्दों की मर्यादा टूटी तो कहीं संवैधानिक पद से इतर बयानबाजी हुई। कांग्रेस को यह अधिकार है कि वह किसको रखें किसको न रखें, लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस ने फिर एक बार साबित किया है कि उनके लिए एक परिवार ही पार्टी है। कांग्रेस जीरो है, कांग्रेस में कोई भी आशा है उसके साथ जीरो ही जुड़ना है। कांग्रेस भारी गलतफहमी में जी रही है। सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है, और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। लोकतंत्र परिपक्व होने की ओर है भारत का, और ऐसा निर्णय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। कुल मिलाकर सियासत का नया पैमाना एक नई ढलान पर जाता दिखाई दे रहा है। ये तो सपा बसपा को डराया जा रहा है, क्योंकि सपा बसपा ने जिस तरह से कांग्रेस को दरकिनार कर दिया तो ये बीजेपी को नहीं डरा रहे, ये सपा बसपा को डरा रहे कि तुम मुझको शामिल करो, कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करो, और नहीं तो तुम्हारे वोट को हम बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे वोट को तोड़ देंगे। तो अगर प्रियंका गांधी आई और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। उन्होंने कौन से आकर के वार्ड में काम किया है, मंडल में काम किया है, जिला में काम किया, कोई काम नहीं किया। केवल और केवल उनके नाम के आगे गांधी लगा है इसलिए वो देश की सबसे बड़ी नेता बन जाए, तो ये तो कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर अन्याय है। न योगी आदित्यनाथ ने बख्शा, न बिहार के मंत्री विनोद नारायण झा ने, और न ही बिहार की डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने राहत दी। योगी आदित्यनाथ ने एक साथ दो मोर्चों पर प्रियंका का घेराव किया। पहले तो परिवारवाद पर कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी बताया, फिर कांग्रेस को जीरो बताते हुए प्रियंका पर तंज कसा कि जो इससे जुड़ेगा वो भी जीरो हो जाएगा। खैर, सियासत में एक दूसरे पर वार पलटवार कोई नई परिपाटी नहीं पेश कर रही, लेकिन 2019 के चुनावी महाभारत से पहले किसी उच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को लेकर टिप्पणी करने की परंपरा भारत के लोकतंत्र में शायद वाजिब नहीं मानी जाती। राहुल जी ने एक प्रकार से ये एक्सेप्ट किया कि राजनीति करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, ये उनकी समझ में आ गया। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात की, ये समझ आ गई उनमें कि मैं नहीं कर सकता हूँ, और इसलिए उन्होंने प्रियंका जी को मदद के लिए लिया। हालांकि अभी से प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस का नया पद मिला है और उनका 2019 चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा पता नहीं, लेकिन सत्ताधारी पक्ष की बेचैनी उनके बयानों से साफ दिखाई दे रही है।
कहीं चुनावी नतीजों की आहट का डर तो अभी से सताने नहीं लगा है। पटना से रोहित कुमार सिंह, इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा, नोएडा से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इधर प्रियंका पर हमला हुआ, उधर भाई राहुल गांधी ने ओडिशा में मोर्चा संभाल लिया और कहा कि ये तो पहले से तय था कि प्रियंका को पॉलिटिक्स में आना था, लेकिन हाँ यूपी में कांग्रेस की तस्वीर अब बेहतर होगी। से पहले 2014 में आम चुनाव या 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी और उनकी अहमियत खुद ब खुद सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन जाती थी, लेकिन अब तो कांग्रेस महासचिव बनकर उनका एक अलग ही स्तर बन चुका है और यही हकीकत सत्ताधारियों को परेशान कर रही है। बिहार के मंत्री विनोद नारायण झा ने प्रियंका पर अमर्यादित टिप्पणी कर एक नई बहस को जन्म तो दे दिया, लेकिन जब आज तक संवाददाता ने पटना में उनसे सफाई मांगी तो उनकी गाड़ी की रफ्तार और तेज हो गई। जवाब देने के बजाय वहां से निकलना ही मुनासिब समझा। प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बिहार के मंत्री विनोद नारायण झा इस वक्त देख सकते हैं, हम लोग उनसे लगातार सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो लगातार मीडिया से भाग रहे हैं। विनोद नारायण जी, विनोद, और वो बात नहीं कर रहे हैं। सुबह से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो लगातार मीडिया से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं अभद्र है और मर्यादित नहीं है, जिसके बाद ही अब वो मीडिया से लगातार भाग रहे हैं। मंत्री जी तो निकल गए लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा पर प्रहार से कांग्रेस अचानक बेहद आक्रामक हो गई। खुद कांग्रेस अध्यक्ष और प्रियंका के छोटे भाई राहुल गांधी अपनी बड़ी बहन और पार्टी महासचिव के बचाव में उतर आए। I think I've read in the media that, oh, this is a decision that has been taken over the last 10 days. Actually, this decision was taken some years back. I've been having a discussion with my sister about her joining politics and her pushback to me was that my children are very young and I need to spend time looking after them. And now her children have reached an age where one of them has gone to university and the other one is about to go to university. We'll have to see about exactly where and how she campaigns. That's something that we'll probably decide. We haven't really decided right now. But her main job, as we have sort of discussed, is to help revive the Congress party idea in Uttar Pradesh. राहुल ने प्रियंका को कांग्रेस पार्टी में लाने का मकसद साफ कर दिया है। पार्टी भी मानती है कि प्रियंका के आने से खासकर उत्तर प्रदेश में मुरझाई कांग्रेस को फिर से खेलने का मौका मिल सकता है। हालांकि राहुल ने प्रियंका पर सीधे सीधे हो रहे हमले पर कोई सीधा पलटवार तो नहीं किया, लेकिन उनके सिपह सालारों ने मोर्चा जरूर संभाल लिया है। कांग्रेस का हमलावर होना वाजिब भी दिखता है क्योंकि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस में एंट्री पार्टी के लिए किसी ट्रंप कार्ड से कम नहीं है। अगर तुरुप के पत्ते पर ही कोई शुरुआत से ही प्रहार करने लगे तो कांग्रेस इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है। लिहाजा प्रियंका का बचाव कांग्रेस की मजबूरी भी है और कांग्रेस की सियासी रणनीति का हिस्सा भी। पटना से रोहित कुमार सिंह और भुवनेश्वर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रियंका गांधी के नाम पर देश की राजनीति गर्म हो गई है लेकिन प्रियंका देश में है नहीं। पार्टी ने वैसे नियुक्ति के वक्त ही कह दिया था कि फरवरी के पहले सप्ताह में ही प्रियंका आकर कामकाज संभालेंगी, लेकिन आने के बाद वो क्या क्या करेंगी अभी कई कयास लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के पूरब से कांग्रेस का सूरज खिलाने का बड़ा मौका मिला है तो तैयारियां भी बड़ी करनी पड़ेगी। प्रियंका आएंगी तो क्या करेंगी अभी कोई आधिकारिक तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन जमीन पर कांग्रेस कमर कसने का इरादा जरूर दिखाने लगी है। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय को नया रूप दिया गया है और इसमें पहले तल्ले पर एक छोटा लेकिन खूबसूरत दफ्तर बनाया गया है जो फिलहाल पार्टी के अध्यक्ष का है। इस दफ्तर से एक पुरानी सीढ़ी नीचे उतरती है जो कभी इस्तेमाल हुआ करती थी। चर्चा ये है कि प्रियंका गांधी इस पहले तल्ले के कमरे को ही अपने दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। खास सीढ़ी का इस्तेमाल वो और उनके करीबी कर सकते हैं।
इस दफ्तर में आने का रास्ता बहुत पुराना है, जिसे कभी जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी इस्तेमाल करते थे। इस सीढ़ी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बड़े नेताओं के लिए होगा। माना यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी जब यहाँ आएंगी तो उनके लिए खास तौर पर पार्टी दफ्तर में ये सीढ़ी होगी जिसका इस्तेमाल करेंगी। प्रियंका का 10 फरवरी को लखनऊ के रमाबाई मैदान में रैली करना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन बाकी के दांव क्या होंगे इस पर कयास लगने शुरू हो गए हैं। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका वाराणसी से सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती दें। बहुत दिनों से ये लोगों की मांग थी कि वो सक्रिय राजनीति में आए। अभी तो लोगों को आभार व्यक्त करना चाहिए आदरणीय राहुल जी का कि उन्होंने महासचिव नियुक्त किया, आभार व्यक्त करना चाहिए प्रियंका जी का कि उन्होंने उसे स्वीकार किया। प्रियंका जी के आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता जान लगा देगा। प्रियंका 1999 के चुनाव से ही रायबरेली और फिर बाद में अमेठी में भी चुनाव प्रचार में सक्रिय रही हैं। इसलिए इन दोनों जगहों के कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को लेकर काफी उत्साहित हैं कि प्रियंका कैसे अपना चुनाव प्रचार आगे बढ़ाती है। ये जो जुमलेबाजी और इस बीच दुनिया भर के नेता जो यहाँ देश को की जनता को मूर्ख बनाया, तो अब प्रियंका रूपी डिटर्जेंट से इन सबको धोना बड़ा आसान हो जाएगा। अब फिर से एक बार जनता को राहत की सांस मिलेगी। उनके आने से पूरे राष्ट्र में, वेस्ट यूपी में और राष्ट्रों में, देश प्रदेशों में कांग्रेस मजबूत होगी और कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी और युवा नेतृत्व में कांग्रेस को एक दिशा निर्देश देगा। प्रियंका के आने के साथ यूपी कांग्रेस में जान फूंकने के लिए कांग्रेस कुछ कमेटियां बना सकती है। मैनिफेस्टो कमेटी, अल्पसंख्यक कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी और मीडिया कमेटियां बनेंगी। साथ ही पार्टी नए कोषाध्यक्ष और उसके साथ एक कमेटी बना सकती है। कुल मिलाकर प्रियंका के दम पर यूपी में दमखम की लड़ाई का प्लान कांग्रेस ने बना लिया है। नीलांशु और शिवेंद्र के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। बड़ी खबर, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिलेगा। नानाजी देशमुख को भी, दोनों को ही भारत रत्न दिया जाएगा। तीन लोग दरअसल, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया जाएगा। सीधे लिए चलते हैं आपको मंजीत नेगी, हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीन नामों की घोषणा की गई है। मंजीत, क्या खबर? बहुत महत्वपूर्ण नाम सामने और इसको कई तरीके से देखा जाएगा। बिल्कुल अंजना, खासतौर से प्रणब मुखर्जी का नाम एक बड़ा नाम है और चौंकाने वाला नाम है। सरकार की तरफ से उनको राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत रत्न देने की है और आने वाले दिनों में भारत रत्न दिया जाएगा राष्ट्रपति होने। इसके अलावा नानाजी देशमुख जो बीजेपी आदर्श विचारधारा के बड़े नाम है, उनको देने की बात की गई है। इसके अलावा भूपेन हजारिका जो कि असम से आते हैं, बड़े गायक रहे हैं, उनको दो लोगों को एक तरह से मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात कही गई। और तीनों ही, अगर आप नाम देखें तो तीनों के अलग अलग मायने हैं। एक आरएसएस से एक बड़ा नाम है, बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा नाम है। दूसरा भूपेन हजारिका जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व से आते हैं, जहां पर खासतौर से इस सरकार का जोर रहा है उत्तर पूर्व को लेकर। और तीसरा चौंकाने वाला नाम, सबसे बड़ा नाम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का है, जो हाल में ही, जो पिछले एक साल पहले राष्ट्रपति पद से हटे हैं और इसके अलावा आरएसएस के खासतौर से प्रोग्राम में जाने के बाद चर्चा में रहे हैं। तो ये तीन बड़े नाम जिनको इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत रत्न देने की बात राष्ट्रपति ने घोषणा की है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है क्योंकि तीन अलग अलग धुरियों को साधने की कोशिश है भारत रत्न के इन नाम के ऐलान के साथ। एक तरफ एक ऐसा चेहरा नानाजी देशमुख का जो संघ की सोच, संघ की विचारधारा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते थे, एक तरफ प्रणब मुखर्जी जिन्हें कांग्रेसी विचारधारा में एक दिग्गज, एक स्टॉलवार्ट के रूप में देखा जाता है, और इधर भूपेन हजारिका के साथ असम और पूरे पूर्वोत्तर आप कह सकते हैं उसको साधने की कोशिश। बहरहाल महत्वपूर्ण है सरकार ने जिन नामों का चयन किया है, और इसी के साथ इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि हिंदुस्तान की सियासत में, संस्कृति में ये तीन नाम बेहद महत्वपूर्ण, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, तीनों को ही भारत रत्न सम्मान। तो बड़ी खबर इस वक्त की, प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति
याद होगा आपको जो विवाद खड़ा हुआ था संघ दफ्तर में, संघ मुख्यालय में उनके जाने पर। उन्हें ये भारत रत्न सम्मान देने के साथ ही नए सिरे से अब ये सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी की वही कोशिश आगे बढ़ रही है जिसमें वो तमाम ऐसे नेताओं को जिनका कद बड़ा होता है उन्हें सम्मानित करके अपना करीब लाने की कोशिश करती है। इसी कड़ी में अगर आप देखें कि तीन दूरियों को साधने की कोशिश है तो आप देखिए प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के वर्ष पूरा जीवन उन्होंने कांग्रेस कांग्रेस की सोच उसकी विचारधारा को आगे ले जाने में खपाया और प्रणब मुखर्जी को यह सम्मान देने के साथ ही एक बार फिर इसे एक जबरदस्त दाव के तौर पर देखा जाएगा जिसमें घोर कांग्रेसी होने के बावजूद उनको सम्मानित दिया किया गया है। अभिजीत मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिजीत जी स्वागत है आपका आज तक पर। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न सम्मान, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर? सीधे लिए चलते हैं आपको यशवंत देशमुख के पास जो कि नाना जी देशमुख के परिवार से हैं। यशवंत जी ये भारत रत्न नाना जी देशमुख को देने का ऐलान, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए किसी भी भारतवासी के लिए खुशी की बात होगी, परिवार के नाते भी खुशी की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सामाजिक पुनर्रचना के सिद्धांत को काम को उन्होंने प्रतिपादित किया था, इस तरह के काम को लेकर चले थे, ये उस व्यापक काम का सामाजिक काम का जो है ये उसका सम्मान है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नाना जी ने 60 वर्ष की आयु में राजनीतिक पॉलिटिक्स से संन्यास लेकर के और नॉन पार्टीजन सामाजिक वर्क में जो लगने का एक निर्णय लिया था जो उन्होंने वादा किया था और वो जेपी के समक्ष उन्होंने ये कहा था कि मैं संन्यास लूंगा और जयप्रकाश नारायण जी के सामने ही उन्होंने जिस दिन वो 60 वर्ष के हुए थे उन्होंने राजनीति को अलविदा करके पूरी तरह से समाज निर्माण के काम में अपने आप को झोंक दिया था। तो ये एक तरह से इतनी बड़ी ये प्रतिपाटी और इतना बड़ा उन्होंने उदाहरण रखा था सबकी नेताओं और सबकी साथी के सामने जिसको जिसके बाद में एक तरीके का उन्होंने पूरा पूरा अपना जीवन बचा हुआ सारा उसी सामने दिया और इसके साथ में उनकी जो एक बहुत बड़ी खाती ये रही कि आज की तरीके से भयानक पोलराइज एटमोसफियर में हम देखते हैं कि लोगों की चिंताकारी चलती है नाना जी बहुत पर थे और एक व्यक्तिगत रूप से उन्होंने पूरे देश में अत्यंत पार्टी बनाई आंदोलन की आंदोलन को बनाए अपने आप में, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी को बात की चाहे कोई भी पार्टी हो आप पाएंगे कि आज की तारीख में केवल आप मुझसे बात करें या किसी और उनके पास के जानने वालों से बात करें उसके अलावा मैं चाहूंगा कि मैं अनुरोध करूंगा कि आप किसी भी वरिष्ठ राजनेता से अगर आप जाके दूसरी पार्टी के गैर भाजपाई भी दूसरी पार्टी की बात करेंगे नाना जी के लिए केवल उनके मन में श्रद्धा और अच्छे भाव के अलावा कुछ निकलेगा नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि देश हित के राष्ट्र हित के मुद्दों पर दुनिया भर की सारी देश भर की जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों को एक जगह पे ले आना उनके साथ में कंसेंसस बना करके काम कर लेना ये एक ऐसा गुण था ये इतना बड़ी साथी थी उनकी जिसको आज की तारीख में साथ पाना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि एक एक समन्वय की नीति एक एक जो सामाजिक पुनर्रचना का अभियान युवाओं को साथ में लेकर चलने का काम और एक बेहद ही निस्वार्थ भाव से ये तय कर लेने की जो दृढ़ इच्छा उनकी थी कि नहीं मुझे एक्टिव राजनीति से हटकर दल युक्त राजनीति से हटकर मुझे पूरी तरह समाज के कार्य में अपने को झोंकना है ये उस भावना का एक तरह से सम्मान है मैं मानता हूँ। जी आपने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नाना जी देशमुख ने हमेशा समाज को कैसे जोड़ा जाए समाज सेवा कैसे की जाए इस पर उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया लेकिन आपको लगता है कि ऐसा भी
हो सकता है कि सियासत आने वाले दिनों में इस पर हो, क्योंकि आप तीनों ही नाम का चयन देखिए, एक तरफ घोर कांग्रेसी जिन्होंने कांग्रेसी विचारधारा में अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न दिया जा रहा है। यशवंत जी, मुझे लगता है कि ये अच्छा सिग्नल है। मैं ये मानता हूँ कि अगर देश के जितने बड़े नाम, जितने अच्छे लोग हैं, उनको ये सम्मान दलगत भावना से ऊपर उठ के मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये अपने आप में सिम्बोलिक भी है। देखिए, नानाजी देशमुख के नाम का चयन ये केवल इस बात के लिए नहीं हो सकता कि साथ में दूसरे दल के लोगों को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये अगर अगर डॉक्टर मुखर्जी जैसे प्रणव जैसे व्यक्ति को भी जो इतने बड़े राजनीतिक रहे हैं उनको भी साथ साथ ये सम्मान मिलता है तो ये एक तरीके का एक 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 मान सकते हैं कि इसको इस पुरस्कार को दलगत। धन्यवाद सर आपका आज तक पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। सीधे लिए चलते हैं आपको, प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी इस वक्त आज तक पर हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अभिजीत जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, क्योंकि प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न के लिए चुना गया है। पहली प्रतिक्रिया सर आपकी? बहुत अच्छा, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस गुड न्यूज। मैं बहुत खुश हूँ। जो भी बेटा होते हैं, बेटा का मतलब बेटा होने के नाते से मैं बहुत खुश हूँ। इट इज रियली गुड रिकॉग्निशन फॉर द पर्सन हु सर्व्ड हिज ऑलमोस्ट 50 इयर्स ऑफ लाइफ इन पब्लिक लाइफ एंड व्हाट आई फील दैट ही हैज डन वेल। ऑल्सो देयर आर मेनी क्रिटिक्स तो रहेगा ही, राजनीति में क्रिटिक्स रहेगा ही, बिल्कुल आलोचना करने वाले हमेशा रहते हैं अभिजीत जी। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिन तीन नामों का चयन हुआ है उसमें से एक नानाजी देशमुख है, एक प्रणब मुखर्जी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस की विचारधारा में बिताई, आपको लगता है कि क्या वाकई सरकार दलगत राजनीति से उठकर भारत रत्न के लिए नामों का चयन कर पाई है? मैं तो यही सोचूंगा, क्योंकि बाबूजी अभी जो पूरा कांग्रेसी है, खानदानी कांग्रेस है, थर्ड जनरेशन कांग्रेस है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का सोच ऐसा ही है तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो व्हाट आई फील दैट प्रणब मुखर्जी परफेक्टली कॉल इट जी, आपको लगता है कि सरकार ने वाकई पार्टिजन पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है उससे ऊपर उठकर ये फैसला लिया है? मैं सोचूंगा ऐसा ही, ऐसा ही सोचूंगा जी। सरकार जिसको सिलेक्ट करते हैं कोई भी किसी को भी तो उसी में उनका जो अच्छा काम किया है उसको देख के ही ये होता है जी। यही तो हम सोचेंगे, सरकार थोड़ी पॉलिटिक्स वो करेंगे जी। लेकिन आप भी एक बेटे के रूप में यही चाहते होंगे कि आपके पिता को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाए? मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, मैं कांग्रेस एमपी के हिसाब से नहीं, प्रणब मुखर्जी का बेटा के हिसाब से मैं दे रहा हूँ। और भी कुछ इसलिए है, एक पुराना कांग्रेसी को भी तो मिला, बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ अभिजीत जी, आप खुद भी चाहते होंगे कि कोई विवाद इसके इर्द गिर्द नहीं हो, क्योंकि आने वाले वक्त में, क्योंकि राष्ट्रपति जैसा पद था, हालांकि जब वो आरएसएस मुख्यालय गए सर तब कई तरह के विवाद जुड़े थे, तो प्रणब मुखर्जी और उनके कद का जब नेता हो तो उससे विवाद से हर किसी को बचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी हंसी बहुत कुछ बोल गई। अभिजीत मुखर्जी जी, धन्यवाद आपका आज तक पर बातचीत करने के लिए। अभिजीत मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे, जिनका ये मानना था कि उनके पिता ने जो काम किया है वाकई पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उनके काम को सराहा जा रहा है और ये अच्छी बात उसे करार दे रहे थे। ये सवाल कि एक घोर कांग्रेसी के रूप में पूरी जिंदगी कांग्रेस की विचारधारा के साथ जिस व्यक्ति ने बिताई, राष्ट्रपति रहे देश के, आरएसएस मुख्यालय में जाने पर जबरदस्त विवाद भी छिड़ा, लेकिन इन सब के बीच प्रणब मुखर्जी को नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका के साथ दिया जाएगा भारत रत्न सम्मान। और इसी सम्मान के साथ ये सवाल और ये चर्चा कि क्या सरकार ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नामों की घोषणा की है या फिर एक बार फिर ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगाएगी कि उनके नेताओं को अपनी तरफ खींचने या अपनी तरफ दिखाने की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है चुनावों के पहले, तो तस्वीर आपके सामने है, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न सम्मान मिलेगा।
अब आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि नानाजी देशमुख गांव में विकास की तरफ समाज सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित थे और इसीलिए उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। गांवों के प्रति उनका समर्पण, ग्रामीण विकास में उनका योगदान, इस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है। तीन बड़े नाम जिन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, जिसमें नानाजी देशमुख, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका का नाम है। नानाजी देशमुख को मरणोपरांत ये भारत रत्न से नवाजा जाएगा, भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत, प्रणब मुखर्जी को ये सम्मान मिलेगा। और एक्सक्लूसिव बातचीत में उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने न सिर्फ खुशी का इजहार किया बल्कि कहा कि उनके पिता के कामकाज ने आज उन्हें इस मकाम पर लाया कि सरकार ने उन्हें समर्पित किया है भारत रत्न। जो बड़ी बात है, हम आपको बता दें, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिलेगा। भारत के 13वें और पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में तमाम मंत्री पद पर रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी। एक लंबा सियासी करियर, एक पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा में बिताई। विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे। 11 दिसंबर 1935 में पश्चिम बंगाल के वीरभूम में उनका जन्म हुआ था। एक लंबा सियासी करियर पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक का उनका रहा। और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिलेगा, इस बात का ऐलान। नानाजी देशमुख का नाम भी शामिल है, शामिल नाम भूपेन हजारिका का भी है। महत्वपूर्ण है ये नजरिया भी देखना कि दो नाम पश्चिमी भारत से है, एक तो भूपेन हजारिका और खुद प्रणब मुखर्जी उसी इलाके से जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना जोर बढ़ाना चाहती है। चुनाव करीब है और उससे भी जोड़कर, जिस तरह की सियासी हलचल हम देश में देख रहे हैं, उससे भी जोड़कर इसे जरूर देखा जाएगा। जी हां, भूपेन हजारिका असम के, प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल के, दोनों अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज। प्रणब मुखर्जी हमारे वक्त के शानदार व्यक्तित्व हैं, उनकी प्रशंसा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए। भारत के विकास में उनका अहम योगदान रहा है। मैं उन्हें भारत रत्न मिलने से बेहद खुश हूं, ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता, बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अधीर जी, आपको भी बधाई, प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न मिल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशखबरी है ये। और सही माने तो जो गुण जो ज्ञान जिनके पास है ही, ये भारत रत्न मिल रहे हैं। मतलब वो भारत रत्न मिलने की और पाने की वो योग्य व्यक्ति होते हैं, और इसको भारत रत्न मिलना चाहिए था और मिल भी गए हैं। ये हम सब के लिए बड़ा खुशखबरी है, और खासकर मेरे लिए, कहीं भी काफी जुड़े हुए थे, और ये बंगाल के लोगों की एक गर्व महसूस होता है। और क्या कहूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रणब मुखर्जी साहब को और इससे भी बड़ा तोहफा मिले अगले दिन, क्योंकि वो इतने सारे गुणी व्यक्ति है जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, और इसमें हम सबको बड़ी खुशी महसूस हो रहे हैं। अधीर जी, पॉलिटिक्स का चश्मा उतार कर बगल में रखिएगा, तो आपको भी लगता है कि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उठाया हुआ सरकार का कदम है? देखिए, प्रणब मुखर्जी ये ज्ञानी और गुणी व्यक्ति, इसमें कोई किसी को शायद कोई तर्क नहीं उठा सकते, इसमें शायद किसी को कोई दो राय नहीं हो सकते। और इस तरीके की व्यक्ति को अगर भारत सरकार से भूषित किया जाए, नवाजा किया जाए, तो इसमें मुझे लगता है ये सही कदम है। और ये जो योग्य व्यक्ति को
ये सही व्यक्ति को सही पद पे भूषित किया गया है, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। लेकिन आने वाले वक्त में इस पर सियासत भी होगी अधीर जी, आप और हम सब जानते हैं कि जिस तरह से अब चुनाव करीब है, हर चीज को चुनावी रंग में रंगा जा रहा है। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये कहा जाएगा कि एक और कांग्रेस पार्टी का नेता जो कि आरएसएस मुख्यालय में गए थे, उन्हें भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया है कि हम का क्या मकसद है ये अलग है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये कह सकते कि प्रणब मुखर्जी की भारत रत्न मिलने की वो काबिल नहीं है। ये किसी ने बोलने के लिए ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा, ये काबिल आदमी है प्रणब मुखर्जी साहब। उसको काबिलियत को मद्देनजर अगर किसी को नवाजा गया भारत रत्न में, तो इसमें हानि क्या है मुझे ये नहीं लगता, ये पता नहीं होता इसमें हानि क्या है कि एक काबिल व्यक्ति को, मतलब इसका काबिलियत को गौर करके उसका काबिलियत पे मद्देनजर उनको नवाजा गया है भारत रत्न पे, तो इसमें सियासत जिसको अगर होगा तो होगा, लेकिन सियासत के लिए किसी को भारत रत्न नहीं मिलेगा ये तो सही नहीं, ये भी तो मुनासिब नहीं है। पूर्वी उत्तर भारत के नजरिए से देखें तो दो नाम भूपेंद्र हजारिका और प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल के, आपको लगता है कि चुनाव के पहले मास्टर स्ट्रोक भी है ये? देखिए मैं कोई स्ट्रोक की बात नहीं कर सकता कि ये कैसा स्ट्रोक है, लेकिन अगर दिया गया इसी तो मुझे अच्छा लगता है कि प्रणब मुखर्जी जैसे हमारे जान पहचान एक शख्स है जो ज्ञानी और गुणी व्यक्ति है, सारे हिंदुस्तान जिनको मतलब सराहना करते रहे आज तक सराहना करते हैं, जिनकी ज्ञान के बारे में कहे जाता है कि उनका मुंह में सरस्वती बैठे हुए हैं, तो इस तरीके के आदमी को अगर भारत रत्न मिलेगा तो इसमें हानि क्या, इसमें तर्क किस लिए, इसमें सियासत किस लिए, ये मुझे जान मतलब ये सुनकर मुझे हैरान होते हैं। चलिए ठीक है अधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के लिए। वक्त रोशनगुल्ला का है क्योंकि बड़ी खबर, अच्छी खबर पश्चिम बंगाल के लिए, वहीं से निकले हुए एक ऐसे नेता जिसने देश की राजनीति के शीर्ष पर अपने कदम रखे, बतौर वित्त मंत्री उन्होंने जो काम किया उसको सराहा प्रधानमंत्री ने भी और कहा कि देश के विकास में उनका अहम योगदान है। ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही है। इस बीच आपने सुना अभिजीत मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी के सुपुत्र भी ये कह रहे थे कि उन्हें इस बात पर बहुत खुशी है, गर्व है कि उनके पिता को ये मिला है। जबरदस्त खुशी की लहर परिवार वालों में और कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं में जिन्होंने प्रणब मुखर्जी के साथ काम किया है, वो सभी अपनी खुशी का इजहार करते हुए। तीन नाम आपको बता दे, और इस वक्त हेमंत बिस्व शर्मा हमारे साथ मुख्यमंत्री जी सीधे जुड़ रहे हैं। हेमंत जी, तीन नाम और असम में मंत्री हैं और तीन नाम जो घोषित किए गए हैं, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, तीनों पर पहले तो आपकी टिप्पणी हो जाए, फिर एक एक करके तीनों पर चर्चा करें। एक तो बात जो एज ए असम एज ए उत्तर का सिटीजन का नाते जब भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया गया है, मेरा मानना है कि इससे बड़ा खुश खबर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है आपका ध्यान में, तो हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और खास करके प्रणब दा का हम सब सम्मान करते हैं, वो डिजार्व करता है, और प्रणब दा को स्वीकृति देना, नाना जी को स्वीकृति देना एक बहुत बहुत बड़ा बात है। लेकिन आज का ये जो ये पल है, इस पल में मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने के लिए। लेकिन इसे सियासत की नजर से भी देखा जा रहा है कि चुनाव करीब है और इसके बीच आपको बता दें, आप बने रहिए हेमंत जी हमारे साथ, बड़ी खबर जो हम आज तक पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कल मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा, ये प्रणब मुखर्जी ने एक्सक्लूसिव बातचीत आज तक से करके कहा है कि इस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया कल दूंगा। भारत रत्न मिलने के बाद ये बात हुई है आज तक की प्रणब मुखर्जी से, और उन्होंने कहा है कि मैं इस पे कल अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने आज तक से कहा कि उन्हें बहुत हर्ष है, खुशी है इस बात पर। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी ने बात की प्रणब मुखर्जी से, क्या कहा उन्होंने?
देखिए प्रणब मुखर्जी को मैंने बधाई दी कि भारत रत्न आपको मिला है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा कैमरे पे प्रतिक्रिया दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि कल मैं दोपहर के बाद मीडिया से बात करूंगा, इतना उन्होंने कहा। लेकिन अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि इतने फोन उनके पास आ रहे थे। प्रधानमंत्री ने उनको फोन किया, बाकी पॉलिटिशियन, तमाम परिवार के लोग, बंगाल के लोग उनको फोन कर रहे हैं, तो लगातार वो बिजी हैं फोन पर। पुराना नंबर जो वो जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे तब का फोन उनके पास है मोबाइल, और लगातार वो फोन पे लगे हुए हैं, लोगों की बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन काफी खुश थे भारत रत्न मिलने पर। ये उनका स्वभाव भी है कि मैं आराम से कल इस पर बात करूंगा, क्योंकि उन्हें भी एहसास हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने पूरी जिंदगी कांग्रेस की विचारधारा में बिताई, और अब ऐसे शख्स को प्रधानमंत्री ने, मतलब सरकार ने जिस तरह से भारत रत्न का ऐलान किया है, तो वो भी सोच समझ कर अब बोलेंगे लगता है। बिल्कुल, हालांकि भारत रत्न जो है तमाम पार्टी पॉलिटिक्स या तमाम चीज़ों से हट करके होता है, लेकिन जब ये नागपुर गए थे तब सवाल भी उठे थे, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने साफ किया था कि वो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है, वो पूर्व राष्ट्रपति हैं। उस तरीके से वो गए थे, एक प्रोग्राम था उसके लिए वो गए थे, लेकिन अब जो भारत रत्न दिया गया है इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, और ना ही ऐसे इस समय पर विवाद खड़ा करना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल से वो आते हैं। एक एक बात ये भी जरूर है, लेकिन प्रणब मुखर्जी अपने आप को पार्टी पॉलिटिक्स से दूर मानते हैं, और क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति हैं, किसी पार्टी के सदस्य इस वक्त नहीं है, लेकिन प्रणब मुखर्जी से जब मैंने बात की तो काफ़ी खुश नजर आए कि उनको भारत रत्न दिया गया, और मीडिया से वो कल बात करेंगे, ये उन्होंने कहा है। चलिए, सभी को इंतजार रहेगा, कल मीडिया के सामने जब आते हैं तो खुशी का इजहार या फिर क्या उनकी सोच होती है भारत रत्न के ऐलान के बाद। तीन नाम, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिलेगा, इसका ऐलान किया गया है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।